नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंडला में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लाडली बहना योजना में फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों, उसमें क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, आपको मैं वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें शिवराज सिंह चौहान खुद बता रहे हैं और खुद एक महिला का फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों, उसमें क्या क्या लगेगा आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाता हूँ शिवराज सिंह चौहान जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो क्या क्या दस्तावेज लग रहे हैं वो बता रहे हैं और खुद ही फार्म भर रहे हैं एक महिला का दोस्तों। चलिए वीडियो दिखाता हूँ आपको। देश भर में बहनों को परेशानी ना हो, ये फार्म कैसे भरना है। तो एक बहन है जिसका फार्म मैं भरूंगा स्वयं, और बहन से मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्या चीजें भरनी है, तो मैं पूछता जाऊंगा, बहन बताती जाएगी और मैं फार्म भरता जाऊंगा। सब ध्यान दे रही है बहने, सब ध्यान दे रही है, ठीक है। बहन आपका समग्र आईडी नंबर क्या है? 1-7-2 फिर से बताइए। 1-7-2-3-3-4-4-6-6-5-5 ठीक, 5-5 फिर 5-0-0 अच्छा, आपका आधार नंबर इसको बताना नहीं है, मुझे बताया क्योंकि आधार नंबर गोपनीय रहना चाहिए, ये मैं अलग से आपका लिख लूंगा। आपका नाम? कविता मस्तेरिया। कविता मस्तेरिया, मस्तेरिया, ये कविता मस्तेरिया होते। बहन आपके पति का नाम? श्री राहुल मस्तेरिया। श्री राहुल मस्तेरिया, श्री राहुल मस्तेरिया। आपकी जन्म तिथि? 27 अक्टूबर 1990। आपका पता बहन? मकान नंबर 220 रतन कॉलोनी रसुल्ली बेलदार। जिला? भोपाल। ये सब ध्यान से सुनना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ये ताकि आपको क्या क्या भरना है वो पता रहे। ये भोपाल हो गया। फिर मोबाइल नंबर, पिन कोड? 4-4-6-6-2-2-0-0-3-3-8 हाँ। मोबाइल नंबर? 8-3-3-0-5-5-8-8-7-7-5-6-6-4-4-9 अच्छा, आप कौन से वर्ग से हैं? अनुसूचित जाति। तो इसको टिक करना है, ये अजा इसमें कॉलम बना है, इसको मैंने टिक कर दिया। अच्छा, विवाहित हैं आप उसमें? तो फिर आपको कुछ घोषणा करनी पड़ेगी जी। आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है? जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं कहती तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जी हाँ। मैं इसको टिक कर रहा हूँ, ठीक है। एक बात, फिर आपके आप या परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है? जी नहीं। नहीं, ठीक है। आपका परिवार का मतलब समझना, पति पत्नी और बच्चे, यही परिवार, ठीक है। आपके परिवार का कोई सदस्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित या संविदा कर्मी के रूप में कोई काम तो नहीं कर रहा, नौकरी तो नहीं कर रहा? जी नहीं। नहीं, ठीक है। आपके नाम पे 4 पहिया गाड़ी, जीप, कार, वो तो नहीं है? जी नहीं। फिर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन तो नहीं है? जी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। आपको और कोई भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिमा 1000 रुपया राशि तो प्राप्त नहीं हो रही? जी नहीं, नहीं हो रही। आपके परिवार में कोई MLA, MP, वार्ड का पार्षद, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ये तो नहीं है? जी नहीं, नहीं है। ठीक है। कोई भूतपूर्व सांसद विधायक तो नहीं है? आप है ना। अब मैं तो हूँ, देखो। ये बात सही है कि मैं विधायक हूँ और आपका भाई हूँ, लेकिन अभी हमने रक्त संबंध वाला परिवार तय किया, मैं तो सगा भैया हूँ। हाँ। ठीक। फिर कोई निगम बोर्ड जो सरकार बनाती है, मंडल, उसका कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य तो नहीं है? जी नहीं, नहीं। अब बस इतनी चीजें सबने ध्यान से सुनी,
इतनी चीजें बतानी है फार्म भरने में। अगर ध्यान से सुनिए तो हाथ उठाओ सब। सबने सुनी, बहुत अच्छी बात है। बस मेरी बहन आपका यहाँ हस्ताक्षर होना है, दस्तखत कर दें। ये दस्तखत करवाएंगे और अगर दस्तखत भी नहीं आते तो चिंता मत करना, अंगूठा भी चलेगा। अब ये ऑनलाइन अब आराम से कर देंगे, हो गया इस पर। अब देखो मैं भी बताऊंगा, अभी खड़े होकर बोलूंगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है। जब अपन फार्म भर देंगे तो फार्म के दो हिस्सा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो नीचे वाला फाड़ के जब आप आवेदन भरेगी तो आपको दे दिया जाएगा और ऊपर वाला यहां रह जाएगा। ये लीजिए आपका